नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। डालते हैं एक नजर आज की 10 बड़ी खबरों पर। लखनऊ में खुद पर गोली चलवाने वाले बीजेपी सांसद के बेटे की पत्नी का बड़ा खुलासा। हरियाणा रोडवेज की दो बसों में जबरदस्त टक्कर, 5 की मौत, कई घायल। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, प्लेन से इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया। IAS अफसर से ब्लैकमेलिंग, अपर आयुक्त को दस्तावेज में पति बनाया, महिला भी अधिकारी के खिलाफ शादी के बाद धोखा देने की कर चुकी है शिकायत। राष्ट्रपति का सुझाव, कोर्ट में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो, फैसले की प्रति भी उसी में उपलब्ध कराएं। बिटकॉइन के नाम पर 12 लाख ठगे, इन्वेस्टमेंट कर 10 महीने में रकम डबल करने का दिया झांसा, बात फोन भी रिसीव करना बंद कर दिया। सेना में भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे थे दो युवक, कार की टक्कर में हुई मौत। रामपुर के डिस्टिलरी में अल्कोहल का टैंक फटा, 6 लोग झुलसे। भारत ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 25 रन से हराया, सीरीज 3-1 से अपने नाम की। सोनू के नाम पर ठगी, सोनू सूद ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मुंबई में दर्ज कराई शिकायत। सोनू सूद ने कहा, सूद चैरिटी फाउंडेशन किसी भी तरह का लोन नहीं देता। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।